हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस, बिल्कुल गुरुद्वारे जैसे टेस्ट वाला कड़ा प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, गुरुद्वारे में जो कड़ा प्रसाद बनता है वो बिना चखे बनाया जाता है। इवन कहीं पे भी अगर आप प्रसाद बना रहे हैं तो बिना चखे बनाएंगे, लेकिन बिना चखे भी बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा ना। तो गुरुद्वारे जैसा बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट वाला कड़ा प्रसाद लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं रेसिपी। आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़्यादा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी, लेट्स स्टार्ट इट। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कड़ा प्रसाद बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है, बिल्कुल साफ फ्राइंग पैन ले लीजिए। मीडियम आँच पर गैस ऑन कर दी है और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब घी, और मेजरमेंट मैं आपको दे दूंगी सारे के सारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। घी को बहुत ज़्यादा हमें गर्म नहीं करना है, तो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप के करीब आटा। ये गेहूं का आटा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके पहले डाल रही हूँ ताकि लम्स ना पड़े इसके अंदर। और घी अभी हम थोड़ा और डालने वाले हैं इसके अंदर, पहले मैंने 1/4 कप के करीब घी डाला है। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसके अंदर आटा डाल रही हूँ और इसको मिक्स करते जा रहे हैं। और घी को आपको गर्म नहीं करना है, बहुत ज़्यादा अगर घी गर्म होगा ना फ्रेंड्स आपका, तो आपका जो आटा है ना वो बर्न होना शुरू हो जाएगा। हमको जलाना नहीं है आटे को, बिल्कुल ही बिल्कुल धीमी आंच पे हमें सेकना है। ये देखिए, मैंने सारा आटा डाल दिया है। इसके बाद मैं 2 चम्मच के करीब घी और डाल रही हूँ इसके अंदर। कई बार जो आटा होता है ना वो घी ज़्यादा लेता है, तो इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ घी। अगर आपका आटा इसमें भी लिक्विड जैसा हो गया है तो आप उतना ही घी डालिएगा। तो ये देखिए, ये इसको मैंने मिक्स कर लिया है। ये फ़र्क तब आएगा जब आपका आटा जो है वो चक्की का पिसा हुआ होगा। चक्की का आटा थोड़ा मोटा होता है तो ज़्यादा घी लेता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे और लगातार चलाते हुए इसको बिल्कुल धीमी आँच पर हमको इसको सेकना है। आँच को तेज़ कर देने से फ्रेंड्स आटा तो जल्दी सिक जाएगा, लेकिन उसके अंदर खुशबू अच्छी नहीं आएगी, टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो बिल्कुल धीमी आँच पर लगातार चलाते हुए आपको सेकिए। ये देखिए, अभी बादामी कलर का होने लग गया है हमारा जो ये आटा है। कई बार लोग क्या है, जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा आंच को बढ़ा लेते हैं, तो उससे आटा तो जल्दी सिक जाएगा लेकिन टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये देखिए, ये कलर हमारा हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है आटे का, बिल्कुल बादाम का जैसा कलर होता है ना, छिलके का बादाम का, उससे थोड़ा सा लाइट होना चाहिए आपके आटे का कलर। तो यहाँ पे मैंने लिया है पानी, 1 कप के करीब पानी लिया है। थोड़ा सा सावधान होके, थोड़ा सा साइड से आप डाल दीजिए पानी इसके अंदर। और जितना हमने आटा लिया है जस्ट उससे डबल हमने पानी लिया है। तो ये देखिए, इसको मैंने मिला दिया है, ये अच्छे से मिल जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये जो आपका पानी है ये अच्छे से सोख लेगा आटे को। अगर आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जो हलवा है वो पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल सकते हैं। और इसके अंदर मैं 1/4 कप के करीब डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ पे घी मैंने जितना यूज़ किया था ना पहले 1/4 कप, उतना ही मैं चीनी डाल रही हूँ। इससे जो है आपकी जो हलवे में मिठास है वो बिल्कुल मीडियम मिठास आएगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा हलवा खाना है तो थोड़ी सी आप चीनी और ज़्यादा डाल सकते हैं, बट ये बिल्कुल आइडियल मिठास हो जाएगी इसकी, बिल्कुल परफेक्ट मिठास होती है इससे। तो ये हमने चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस को मैंने वापस से धीमा कर दिया है और अब इसको ढक के मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाऊंगी बिल्कुल धीमी आंच पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट और हो गए हैं और ये हमारा जो है कड़ा प्रसाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के तैयार हो गया है। कड़ा प्रसाद में इलायची और ड्राई फ्रूट्स नहीं डालते हैं। अगर आप वैसे ही खाने के लिए बना रहे हैं तो आप इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कड़ा प्रसाद को मैंने इस तरीके से बाउल में निकाल लिया है और ये देखिए मैं आपको अभी दिखाती हूँ थोड़ा सा निकाल के। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये चिपचिपा भी नहीं है। अक्सर जब भी कड़ा प्रसाद कोई लोग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल कर देते हैं, बिल्कुल तरबतर हो जाता है घी से हाथ। यहाँ पर देखिए, घी तो है इसके अंदर और हलवा सॉफ्ट भी है, बट बहुत ज़्यादा एक्सेस घी नहीं है, थोड़ा थोड़ा घी आ रहा है हाथ में। और इस तरीके से देखिए, मैं गुरुद्वारे में जब भी प्रसाद ले जाती हूँ तो इस तरीके से ये प्यारे से क्यूट से कैसरोल में ले जाते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस कड़ा प्रसाद की रेसिपी है, ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और गुरुद्वारे में मेरी तरफ से भी चढ़ा के आइएगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट से आप ये बनाइए और हर बार परफेक्ट रिज़ल्ट आते हैं इसके।
तो ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस परफेक्ट कड़ा प्रसाद की रेसिपी को। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा और भी टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मैंने लिंक्स दिए हैं, चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और फ्रेंड्स ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।